हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। तो फ्रेंड, कल की क्लास में मैंने फंडामेंटल ऑफ एसी के बारे में आप लोगों को बताया था। तो जिसने भी कल की वीडियो देखा होगा उसको आज की वीडियो 100% समझ में आने वाली है। और जो भी आज की क्लास देख रहे हैं तो वो जाके कल की क्लास जरूर देख लें। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरी पूरी वीडियो अपलोड है, इससे पहले वाली भी जो वीडियो है आप लोगों की फंडामेंटल ऑफ एसी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि थ्योरी की क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो सेकेंड ईयर से ही एक्चुअली मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जितने भी सेकेंड ईयर के जो चैप्टर हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जाम के पर्पस से। तो एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि जितने ज़्यादा आप लोगों के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एसी सर्किट से, बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और बच्चों के कमेंट भी मुझे बहुत आए थे कि मैम एसी सर्किट आप एक बार अच्छे से समझा दीजिए क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है। इस कारण से मैं आप लोगों को एसी फंडामेंटल पहले समझाना जरूरी समझ रही हूँ। अब देखिए, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, फटाफट एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ मैं, कि कल की जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल ऑफ एसी में कि जो एसी साइकिल हमारी रहती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और जो वेव वहाँ पे बनती है आप लोगों की, है ना, या फिर जो ऑसिलेशन होता है SHM, कल मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसकी वेव बनती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी रहती है, वाइब्रेशन कब होता है, ऑसिलेशन कब होता है, ये सब से मैं रिवीजन आप लोगों का करवा रही हूँ कल की क्लास का। तो फटाफट मैं बता दे रही हूँ, तो ये सब कल की क्लास में हमने पढ़ चुका था। और मैंने तीन क्वेश्चन आप लोगों को बोला था कि तीन डाउट हमें ये होता है कि सबसे पहली बात कि जब जीरो से स्टार्ट होती है आपकी वेव तो उसको हम साइन वेव ही क्यों कहते हैं। सेकंड मैंने आप लोगों को बोला था कि जब वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है आप लोगों की वेव तो उसको कोसाइन वेव ही क्यों बोलते हैं, यानी कि कॉस वेव हम उसको क्यों कहते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन था कि जो फॉर्मूला होता है V=V max sin ωt, तो वो हमेशा फॉर्मूले में V max sin ωt ही क्यों लगता है। ये हमारे तीन क्वेश्चन थे जिसमें कि कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कम्प्लीटली समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से और एकदम जीरो लेवल से मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के ब्लॉक बनाए थे ABC, जो ए ब्लॉक है आप लोगों का, मेन पोजीशन से कैसे आपका लॉन्गिट्यूड में जाता है, कंप्रेस करते हैं तो वो बी पोजीशन पे आ जाता है और उस तरीके से आप लोगों का जो ऑसिलेशन उसका होता है तो किस प्रकार का उसका वेव फॉर्म जाता है, ये भी मैंने कल कंप्लीटली आप लोगों को समझा दिया था। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बता दूं कि साइन वेव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था कि साइन वेव जीरो से स्टार्ट होता है तो इसको हम साइन वेव ही क्यों बोलते हैं। जिसने भी नहीं देखा है तो वो कल की क्लास जाके देख लें, कल की क्लास आप लोग देख लेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आज की जो क्लास है, अब हम उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड था, यानी कि अगर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की वेव जो रहती है मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम कोसाइन वेव ही क्यों बोलते हैं या फिर कॉस वेव ही क्यों बोलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों को इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू में रहिएगा, बस आप लोग ये नहीं करना है कि स्किप करके चले जाना है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप लोग मेरे साथ, सब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए यहां पे आते हैं, यहां पे अब हम बात करते हैं किसकी, कोसाइन की, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस वेव की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अब कॉस वेव की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या होता है आपका फोर्थ। तो जब भी हम इसमें एंगल की बात करते हैं तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉक वाइज में हमें मिलता है ना, जैसे हमने यहाँ से जीरो स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे आ जाता है 30, यहाँ पे आ जाता है 45, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे 90, इस तरीके से आपका चलता जाता है। एंटी क्लॉक वाइज में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आपके एंगल मिलते हैं, जो भी आपके एंगल रहते हैं इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई कि जो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप लोग इस वेव में देखेंगे तो यहाँ देखिए मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पे आया, फिर नेगेटिव पे गया, फिर जीरो पे आया, फिर वापस अगेन मैक्सिमम पे। तो ये जो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम से आपका ये जो स्टार्ट हो रहा है इसको हम कॉस वेव ही क्यों बोलते हैं, ये हमारा था क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने साइन का बता दिया था, आज कॉस की बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है सर्कल। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारा ये जो बीच में था ए पॉइंट, यहाँ पे था हमारा सी और यहाँ पे था हमारा बी। ठीक है,
ए से जब हमने क्या किया, कंप्रेस किया, तो वो किस में आया था, बी पे आया था, और जब हमने उसको छोड़ा तो लॉन्गिट्यूड हो गया, वो सी पे चला गया था, मतलब वो सी पे जा रहा है, देन उसके बाद वापस ए पे आ रहा है, फिर बी पे जा रहा है, फिर वापस ए पे आ रहा है, ऐसे उसका क्या चल रहा था, ऑसिलेशन चल रहा था। पेंडुलम की भी कल मैंने बताया था कि जो पेंडुलम रहेगा आपका ए पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे रहेगा, देन उसके बाद वो सी पे जाएगा, सी से वापस ए पे आएगा, ए से वापस बी पे जाएगा, तो इस तरीके का उसका ऑसिलेशन होगा और वेव फॉर्म उसकी तैयार होती जाएगी एसी सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से हम किसका समझेंगे भाई, कॉस का भी समझेंगे। तो कॉस में हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए आपको ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस का फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं तो बी अपॉन में क्या होता है, एच, यही होता है बी अपॉन में एच। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि बी अपॉन में एच की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये पॉइंट, हमने इसको एज्यूम कर लिया ए, यहां से हमने देखा सबसे पहले आपका कितना हुआ 30 डिग्री का, सबसे पहले यहां पे देखिए यहां पे आया 0, यहां पे क्या हुआ 0 डिग्री एंगल, यहां पे 30, यहां पे हमने इसको ले लिया 45, यहां पे इसका एंगल ले लिया हमने 60, कुछ इस तरीके का आपका चलता जाएगा। ये पॉइंट ए है आपका, मान लीजिए यहां पे 0 है, यहां पे आपका 30 है, यहां पे आपका 45 है, यहां पे आपका 60 है, और यहां पे आपका लास्ट में क्या है 90 है, जहां पे पॉइंट सी है आपका, ठीक है। ये चीज मैंने बताया था, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, अच्छा ठीक है नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है पॉइंट, यहां पे समझ लीजिए ए है, ये 0 डिग्री एंगल, उसके बाद जब ये 30 पे मूव करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा, मैंने यहां पे स्पीड आपका बताया था ओमेगा, और टाइम क्या लिया था मैंने इसका टी, यही टाइम हम लेके चल लेते, स्पीड ले रहे थे ओमेगा और टाइम क्या ले रहे थे टी ले रहे थे। अब यहां पे ए से वो किस में चला गया भाई, 30 डिग्री के एंगल पे, यहां पे आ गया 30, यहां पे आ गया 45, यहां पे आपका 60, और यहां पे आ गया आपका 90, 90 पे जब आता है तो वो टॉप पे चला जाता है मैक्सिमम, यानी कि आपका सी पे, वापस वो अगेन पीछे जाता है और बी पे जाता है, बी यानी कि हमारा इस तरफ क्या जाएगा नेगेटिव साइड, यहां पे क्या जाएगा आपका नेगेटिव, और यहां पे आपका क्या था पॉजिटिव। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जो वोल्टेज का आप लोगों को एम्पलीट्यूड मिलता है, जो भी मतलब वोल्टेज का जो भी मैग्नीट्यूड मिलता है, तो इस तरफ आपका वोल्टेज का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा और इस तरफ आप लोगों को वोल्टेज का नेगेटिव मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये हमारे जो परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं, ये फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ये एक तरफ से क्या हमारा मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड है, किसका भाई वोल्टेज का, वोल्टेज बता रहा है ना भाई, एसी साइकिल हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो वोल्टेज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो आपको हाइपोटेनियस टाइप में दिख रहा है या रेडियस जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमें क्या दर्शा रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड दर्शा रहा है, ये क्या दिखा रहा है एम्पलीट्यूड, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड और ये हमारा क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, यानी कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया कि भाई जब ये 0 पे था, किस पे था 0 पे था, यानी कि इस पोजिशन पे था, इस पोजीशन पे था, जब 0 की पोजीशन पे था, तब हम यहां पे क्या ले सकते हैं कि कॉस हमारा थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया भाई बी अपॉन में क्या होता है एच होता है, और कॉस हमें थीटा की जगह पे 0 पुट करना है, ठीक है, क्या पुट करना है 0, तो हमेशा याद रखना कि कॉस 0 की जो वैल्यू होती वो होती है 1, क्या होती है 1 होती है। देन सेकंड उसके बाद वो कहां चला गया, ओमेगा की स्पीड से टी समय बाद, टी टाइम आपका टी ले लिया और ओमेगा की स्पीड से वो कहां चला गया 30 पे आ गया, देन हमने यहां पे क्या पुट किया कॉस, यहां पे हमने 30 डिग्री पुट किया, तो जब हम यहां पे कॉस 30 डिग्री पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन में 2, दैट मींस उसका होता है 0.866 उसके उसका वैल्यू होता है। देन उसके बाद फिर हम यहां पे आते हैं तो वो किस पे आया, फिर उसके बाद 45 पे आया, अब हम 45 लेंगे यहां पे, तो यहां पे हमारा आ गया कॉस 45, जब हम कॉस 45 की यहाँ पे बात करते हैं तो कॉस 45 होता है हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट 2, डैट मीन्स इसकी वैल्यू होती है 0.707। उसके बाद हमने देखा कि वो किस पे आ गया 60 पे आ गया, मतलब इस पोजीशन पे आ गया है ना, देखिए पोजीशन बढ़ती जा रही है उसकी, है ना पेंडुलम की, धीरे धीरे पेंडुलम की बात कर लो या ब्लॉक की बात कर लो, जो मैंने ABC करके ब्लॉक बताया था, या पेंडुलम जिसके जो आपको ईजी लगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बात कर लिया भाई, कॉस 60 की बात कर लिया, तो यहाँ पे कॉस 60 की बात करें तो वो होता है 1/2, और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, लास्ट हमारा आ रहा है 90, ये क्या हमारा 90 डिग्री का, तो कॉस जब हम यहाँ पे 90 लेंगे, कॉस 90 डिग्री जब लेंगे तो वो हो जाता है हमारा 0,
ठीक। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि जब cos 0 यानी कि 1 पे जब cos 0 हमने लिया, यहाँ पे जब था ये पोजीशन पे, तब जब था 0 की पोजीशन पे, अच्छे से समझना, समझ में सब आएगा। जब 0 की पोजीशन पे था तो भाई 0 में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 यानी कि ये मैक्सिमम है ना, ये आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे ये 0 की पोजीशन पे था तो कहाँ चला गया, ये 1 पे चला गया, आ गया। सेकंड हमने देखा, ये फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा। सेकंड हमने देखा कि 30 पे जब हम ले रहे हैं तो ये देखिए, ये हमें 30 दिखाई दे रहा है, ये हमारा ये 30 ये गया और ये हमारा ये आया, तो यहाँ पे कितना है 0.866, ठीक है, ये 30 की वैल्यू, ये आ गया हमारा 30 का वैल्यू। उसके बाद जब हम 45 की बात करेंगे तो 45 में कितना था 0.707, तो 45 की वैल्यू ये दिखाई दे रही है आप लोगों को 0.707, ठीक है, ये आ गई आप लोगों की। लास्ट आपका 60 में 0.5, यानी कि देखिए 60 में ये हमारा आ गया इस तरफ से, ये हमारा क्या है 0.5। देन उसके बाद हमारे बात कर रहे थे कि 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये देखिए 90 पे अगेन वो किस पे आ गया, यहाँ पे 0 पे वो आ गया है, दिख रहा है, आ गया समझ में। तो यही चीज मैंने कल की भी वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि भाई हम इसको क्यों साइन वेव बोलते हैं, इसको क्यों कॉस वेव बोलते हैं, कि जब 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये जो वेव फॉर्म है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको साइन क्यों कहा जाता है। पूरा एक एक चीज मैंने आप लोगों को, साइन के जो फॉर्मूला होता है उसमें मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 सब रख के मैंने दिखाया है आप लोगों को। और अगर ऐसे देखा जाए तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, है ना, देखिए बताती हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री की, 30 की, देन उसके बाद 45, 60, देन उसके बाद 90, ये बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक। तो साइन थीटा में हमेशा याद रखना कि जब भी हम 0 की बात करते हैं तो साइन 0 क्या होता है आपका, साइन 0 आपका 0 ही होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, ये होता है √3/2, और ये आपका होता है लास्ट में 1, और कॉस में जस्ट अपोजिट यानी कि उसका उल्टा हो जाता है, 0 में आ जाता है 1, देन उसके बाद आता है √3/2, देन उसके बाद 1/√2, 1/2, और लास्ट में 0। तो इस टेबल से भी आपको ये पता चल जाता है कि भाई जब मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से जब स्टार्ट होगा हमारा वेव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस वेव बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कोसाइन वेव बोल सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइन वेव बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए, और लाइक कर दीजिएगा बिल्कुल वीडियो को, आप लोगों को 100% समझ में आया होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि इतने इजी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। तो जो भी बच्चे जिनको अभी तक नहीं समझ में आया था कि ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, जिसको इसका बेसिक ही नहीं मालूम था, तो आई थिंक अब उन बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। इसीलिए ये आप लोगों का सर्कल बनाने से पहले ही मैंने आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बता दिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर हम कैसे एक सर्कल को समझते हैं, कैसे टाइम जो हम लेते हैं, अभी मैंने यहाँ पे टाइम टी लिया है, आप लोग जब प्रैक्टिकल वगैरह करोगे या देखोगे, है ना, तो उसमें जो टाइम होता है वो बढ़ता जाता है, तो टाइम के हिसाब से उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होगा आपका धीरे धीरे या डिक्रीज होगा, उस हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे टाइम मैंने फिक्स ले लिया, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू दी नहीं है, जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइम आप लोगों का क्या ले लिया, टी ले लिया, और किस स्पीड से वो जा रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो वो स्पीड मैंने वहाँ पे क्या ले लिया, ओमेगा ले लिया, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, या फिर एंगुलर आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा वहां से डिनोटेड करते हैं, इसलिए मैंने वहां पे ओमेगा ले लिया था। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा टी, स्पीड इनटू टाइम। कल ही मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि भाई डिस्टेंस जो होता है आप लोगों का, वो स्पीड होता है इनटू क्या होता है आपका, टाइम, इनटू क्या होता है आप लोगों का, टाइम, है ना, यही होता है। तो डिस्टेंस हमने वहां पे थीटा ले लिया था, कितना डिग्री आपने डिस्टेंस कवर किया, थीटा, है ना, और थीटा इज इक्वल टू स्पीड क्या थी, ओमेगा, और यहाँ पे टाइम क्या था, टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये चीज कंप्लीट हुई, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि v इज इक्वल्स टू v max sin ओमेगा t, हम क्यों बोलते हैं इसको, है ना। देखिए दूसरे पेज पे समझा देती हूँ। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, v इज इक्वल्स टू v max sin ओमेगा t, यही फॉर्मूला क्यों होता है, यही क्यों बोला जाता है, यहाँ पे वो पूछ रहा है आप लोगों से। अब सिंपल, फिर हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया भाई, एक सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया, ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है, रखो अच्छे से बना लेते हैं इसको, है ना। अभी भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, देखो इतना तो समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या था, ए था, हमने क्या लिया था, यहाँ पे जीरो लिया था, यहाँ से वो जा रहा था 30, यहाँ से जा रहा था 45, यहाँ से जा रहा था 60 और यहाँ से जा रहा था 90, यही था 30, 45, 60, यहाँ पे 90। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ये जो है वो आप लोग की जो रेडियस है वो आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, इसमें देखा जाए वेव फॉर्म में देखा जाए तो इसको हम क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड लेते हैं, ये चीज ठीक है। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर आप लोगों का ड्रॉ होता है, ये जो परपेंडिकुलर आप लोगों का ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ये हमने क्या ले लिया था, इसको वोल्टेज मैग्नीट्यूड, मतलब आपका जो भी मैग्नीट्यूड वहां पे निकल रहा था वोल्टेज का, तो हमने क्या ले लिया था, उसको वोल्टेज ले लिया था, है ना, मैग्नीट्यूड ले लिया था। यहाँ पे हमने इस पॉइंट की बात करी थी, तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव साइड था हमारा, डैट मीन्स हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज मैग्नीट्यूड इस तरफ वाला बोल सकते हैं, और इस तरफ वाला जहां पे पॉइंट बी था वो क्या था हमारा, नेगेटिव वोल्टेज मैग्नीट्यूड, और ये क्या था हमारा इस तरफ का, पॉजिटिव वोल्टेज मैग्नीट्यूड, यही था, ये चीज कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई कि जब हमने एक फॉर्मूला बताया आप लोगों को, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी, ये होता है हमारा क्या, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बता दिया है, तो जाके कल की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें, तो हाइपोटेनियस आप लोगों को क्या दिख रहा है, एम्पलीट्यूड दिख रहा है, हाइपोटेनियस को रेडियस या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाइपोटेनियस एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। और परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या है, वोल्टेज है, अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, इस इमेज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, एसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम वोल्टेज आपका जहां तक जा रहा है, रीच कर रहा है, वही तो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी मैक्स बोल सकते हैं ना भाई, ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये हमारा वी मैक्स बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब वही जहां तक हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, रीच कर रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, ये जो पी जिसको हमने वोल्टेज लिया था, यानी कि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना मैग्नीट्यूड है, किसका, वोल्टेज का, है ना। चलिए यहां पे ये चीज लिख देती हूं मैं, पी हमने क्या लिया भाई, मैग्नीट्यूड लिया, तो ये किसका बता रहा है, वोल्टेज का बता रहा है, वोल्टेज, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, वोल्टेज का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे बता रहा। बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, अभी समझना पूरा आपको पूरी हिस्ट्री इसकी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस जुड़े रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, बार बार मैं बोलती हूँ स्किप बिल्कुल मत किया करो आप लोग। अब आते हैं भाई हम यहाँ पे साइन के फॉर्मूले में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है, यही पढ़े हो, हमेशा पढ़ते आए हो। अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर की बात कर लें, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, P इज इक्वल्स टू वोल्टेज V, यानी कि यहाँ पे हम V पुट कर सकते हैं, और हाइपोटेनियस की जगह पे V max हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये पुट कर दिया। साइन का साइन ले लिया हमने, थीटा की जगह पे हम ओमेगा T पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा T इज इक्वल्स टू V अपॉन में आ गया V max। तो जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बता देती हूँ क्या निकला हमारा, साइन ओमेगा t इज इक्वल्स टू v अपॉन में v मैक्स, यही निकला। तो जब v निकालेंगे हम यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा v मैक्स साइन ओमेगा t, ये बन गया हमारा फॉर्मूला,
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्यों बोला जाता है, इसी कारण इसको बोला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया कि भाई जीरो से अगर वेव फॉर्म स्टार्ट होती है तो उसको हम साइन वेव ही क्यों बोला जाता है, वो भी मैंने बता दिया। सेकंड भी मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को कि कॉस कोसाइन वेव या कॉस वेव क्यों बोलते हैं अगर मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, वो भी मैंने बता दिया। थर्ड क्वेश्चन कि वी मैक्स साइन ओमेगा टी ही क्यों होता है, तो भाई इस तरीके से होता है, इस कारण हम उसको वी मैक्स साइन ओमेगा टी बोला जाता है। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है कि हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बता देती हूँ मैं, इसको और छोटा कर दो, अभी इसका काम नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आया, v इज इक्वल टू v मैक्स साइन ओमेगा t, ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई f होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v मैक्स साइन 2 पाई f t, ये लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया, सॉरी एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया, ठीक। सेकंड हम एक और चीज लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू v मैक्स साइन 2 पाई, अब 2 पाई अपॉन में t, और ये वाला भी t लिख सकते हैं, स्मॉल t ये। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में t होता है। ये सब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को पता होगा है ना, f इज इक्वल टू 1 अपॉन में t होता है। तो f की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, t लिख दिया। तो तीन आपको बन गए, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। तो ये तीन फॉर्मूले भी आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोग समझ सकते हैं इसको किस तरीके से मैंने बताया ये, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के हिसाब से पहले तो मैं कुछ समझा देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें फेज डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, फेज डिफरेंस के बारे में, क्योंकि एसी सर्किट में अभी मैंने ये बता दिया कैसे वेव फॉर्म आप लोगों की निकलती है, कैसे काम करती है, क्यों इसको साइन वेव बोला जाता है ना। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसमें क्या, फेज डिफरेंस कैसे होता है, इसका क्यों पावर फैक्टर बोला जाता है, किस तरीके से आप लोगों का ये होता है, ये सब हम आज समझेंगे आज की वीडियो में। अब देखो फेज डिफरेंस समझने से पहले आप लोगों को डीसी सर्किट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो वीडियो मेरी देख लीजिएगा, डीसी सर्किट मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वहाँ पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक। या फिर अभी आगे फिर पढ़ेंगे हम, रिपीट करेंगे थ्योरी को, तो वो डीसी सर्किट आगे भी मैं पढ़ा दूंगी। अब डीसी सर्किट में आप लोगों ने देखा होगा कि डीसी सर्किट में क्या होता है, जब भी हम डीसी सर्किट की बात करते हैं तो इसमें जो होते हैं R, L, C, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीन चीज आप लोग ने मोस्टली देखा होगा या पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि डीसी सर्किट में क्या होता है, R हमेशा काम करेगा लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर डीसी सर्किट में काम नहीं करता है, वो किस में काम करता है, एसी पर काम करता है। अब आप लोग ये सोचोगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है भाई, कि करंट का अपोज करता है, यही आप लोग बोलोगे है ना, कि जो R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि करंट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, आप लोग ने पढ़ा होगा। और सेम वही काम तो इंडक्टेंस भी करता है, L, ये भी तो करता है, ये भी क्या करता है, करंट को अपोज करता है, ये भी तो करंट को अपोज करने का काम करता है ना, सेम दोनों काम करते हैं। तो वो डीसी में काम कर रहा है, वो डीसी में काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है,
रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली आपका करंट को कम करता है, लेकिन इंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे, इंडक्टर की बात करेंगे हम, तो इंडक्टर ये होता है कि वो डायरेक्ट नहीं करता, वो करंट को अपोज करेगा लेकिन चेंज इन करंट को करेगा, है ना। चेंज इन करंट का मतलब DI/DT, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। चेंज इन करंट को वो क्या करता है, अपोज करता है ना, या फिर बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा। जो करंट बढ़ रहा है उसको वो अपोज करेगा, मतलब करंट ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो क्या करता है, जो इंडक्टर रहता है उसको एक कदम पीछे कर देता है। ये चीज होती है इंडक्टर में, लेकिन रेजिस्टेंस में ये चीज नहीं होती है। रेजिस्टेंस में पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि वो ऐसा नहीं कर रहा है कि एक कदम आगे बढ़ रहा है करंट तो वो एक कदम पीछे कर दे, नहीं, वो डायरेक्टली पूरा वहां पे अपना रोल कॉल देता है कि भाई हम उसके अपोजिट हैं तो हम अपोजिट ही रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं इंडक्टेंस की, तो ये सिर्फ एसी में ही आप लोगों का यूज होगा, क्योंकि एसी की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, और अगर करंट बढ़ रहा है और अगर सर्किट कैसी है, इंडक्टिव सर्किट है, तो वहां पे वो सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट को उतना बढ़ने नहीं देगा। आ रहा है समझ में, मतलब इसकी अपेक्षा, वोल्टेज की अपेक्षा, दैट मींस मतलब वहां पे वोल्टेज लीड करेगा, करंट आपकी लीड वहां पे नहीं कर सकती, ठीक है, वोल्टेज आगे निकल जाएगा इंडक्टर की वजह से। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, ये इक्वली दोनों के लिए रहता है, वोल्टेज के लिए भी और आपके करंट के लिए भी रहता है, मतलब दोनों को इक्वली ही चलने देता है। तो ये तो थोड़ी बहुत कहानी हो गई आप लोगों की। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखिए अब फेज डिफरेंस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत बता दिया जिन बच्चों को नहीं पता था। अब फेज डिफरेंस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक। अब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, ठीक है, उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, जिसकी बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की है, तो यहाँ पे कितनी करंट आप लोगों की जाएगी भाई, 6 एम्पियर की यहाँ पे आप लोगों की करंट फ्लो होगी, है ना, यही होगी ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या होता है ना, V=IR होता है, उस हिसाब से आप लोग करंट निकाल सकते हो। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हो ये सब बनता होगा आप लोगों को, है ना, अगर करंट निकालना है तो यहाँ से आप लोग इजिली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है प्योर रेजिस्टर सर्किट में, जहां से करंट स्टार्ट होगा वहीं से आपका वोल्टेज भी स्टार्ट होता है, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों इन फेस में होते हैं, ठीक है, दोनों कैसे रहेंगे, इन फेस में रहेंगे। जब भी हम वेव फॉर्म की बात करेंगे तो सपोज मान लीजिए यहां से हमारा अगर वोल्टेज निकल के जा रहा है आप लोगों का कुछ इस तरीके का, तो यहीं से आप लोगों का क्या होगा, करंट भी आप लोगों का यहीं से निकल के जाएगा, ये आपका आ गया वोल्टेज और ये आपका आ गया करंट, यानी कि आपका प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, इन फेस में रहते हैं, मतलब इन फेस यानी कि पावर फैक्टर कोई एंगल मिला नहीं, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर आपको यहाँ पे मिलता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, रेजिस्टेंस की सर्किट में दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेस में हो जाएंगे। आ गया है समझ में, ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो। अब देखिए क्यों हुआ ऐसा, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई जो रेजिस्टेंस रहता है आप लोगों का वो करंट को क्या करेगा, अपोज करता है। लेकिन प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, जितना आप लोगों का करंट फ्लो होगा उतना ही आपका वैसे ही वोल्टेज भी आप लोगों का फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और ये सिर्फ किस में होता है, डीसी सर्किट में, और किस में आप लोगों का, जब इन फेस में हो दोनों। तो इन फेस का मतलब क्या हुआ, कॉस फाई आपका क्या मिला, जीरो मिला आप लोगों का, कॉस फाई क्या मिला, जीरो मिला। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भाई पावर की बात करते हैं, सपोज P=2 क्या होता है, VI cos φ, यही होता है पावर का फॉर्मूला, है ना, डीसी सर्किट में यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई यहाँ पे एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। जितना आपका इन फेस में चल रहे हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जीरो से अगर करंट स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से आपका वोल्टेज भी स्टार्ट हो रहा है।
डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो मिला हमें, है ना, थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई की जगह पे अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करें तो कॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, वी आई ही मिलेगा, यानी कि आपका क्या हुआ, कॉस जीरो आपका जो फेस हुआ वो आपका क्या हो गया, जीरो। मतलब पावर फैक्टर आपको कैसा मिला, यूनिटी पावर फैक्टर आपको वहां पे मिलेगा, और पावर इज इक्वल टू वी आई ही लिखा जाएगा हमेशा डीसी सर्किट में, ये सब याद रखना। जबकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों का ये होता है ना, वी आई कॉस फाई होता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, ये आपका कौन सा केस है, प्योर रजिस्टिव सर्किट का केस है, जो अभी मैंने बताया कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट की, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि करंट अगर जीरो से स्टार्ट हो रही है तो आप लोगों का इन फेस में रहेगा आपका करंट भी और आपका वोल्टेज भी, दोनों देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आई क्या आ गया, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में आप लोग क्या लिख सकते हैं, आर आई एम साइन ओमेगा टी। आर आई क्यों लिखा, क्योंकि वी मैक्स साइन, तो वी इक्वल्स टू तो आई आर ही होता है ना, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आई आर क्यों लिखा हुआ है ना, वी मैक्स साइन ओमेगा टी भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, डेट्स वाई वहां पे उसने क्या कर दिया है, आई इंटू आर एम लिख चुका है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट में देखिए टी इक्वल्स टू वन अपॉन में एफ होता है, तो वहां पे आप पुट भी कर सकते हो ओमेगा की जगह पे, जैसे अभी मैंने अभी बताया है ना थोड़ी देर पहले। तो ये हो जाता है आपका प्योर आप लोगों का रजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद आप लोगों की इंडक्टिव सर्किट। हाँ, अब देखो पहले इसको मैं छोटा कर दूं, साइड में कर लेते हैं इसको। अब देखिए, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं किसकी, इंडक्टिव सर्किट की। तो इंडक्टेंस के बारे में जैसा अभी मैंने बताया कि भाई जब प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगी आप लोगों की, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात अगर हम कर रहे हैं, एल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये इंडक्टेंस, यहाँ पे एक कॉइल लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको एसी सप्लाई दे दिया, क्योंकि डीसी में कनेक्ट नहीं होता है, मैंने आप लोगों को बताया था डीसी में नहीं चलता है ना, ये आपका हो गया इंडक्टिव सर्किट यानी कि एल। अब हम इसकी अगर बात कर लेते हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि ये भी करंट को क्या करता है भाई, अपोज ही करेगा, या लेकिन किस करंट को, करंट इन चेंज, है ना, यानी कि जो चेंज का मतलब क्या होता है, डी आई अपॉन में डी टी, करंट में जो चेंज आ रहा है उसका अपोज वो करता है वहां रेजिस्टेंस में, ये मैंने नहीं बोला था, है ना। अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर किसको करता है भाई, अपोज जरूर करता है करंट को, लेकिन कौन सी करंट को करता है, करंट में जो चेंजिंग आ रही है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। एक तरफ से कहा जाए तो बढ़ते हुए करंट को वो क्या करता है, अपोज करता है। अगर करंट बढ़ रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहा है, तो उसको पीछे ले आता है एक कदम, इस तरीके का क्या होता है आपका इंडक्टेंस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, जब वो उसको पीछे ही ले आ रहा है तो इसमें करंट क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है भाई, करंट जो को वो इंडक्टेंस पीछे लेके आ रहा है ना, तो करंट इसमें क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, और वोल्टेज क्या होता है, आगे निकल जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, इस इंडक्टर के कारण आपकी जो करंट होती है वो आपकी क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो आगे निकल जाता है, और कितना आगे निकलता है भाई, 90 डिग्री लीड करेगा, कितना, 90 डिग्री वो क्या कर जाता है, लीड कर जाता है क्या, वोल्टेज आपको। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर के केस, इंडक्टेंस के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज रहेगा वो लीड करेगा करंट से बाय 90 डिग्री, है ना, करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। और यहाँ पे अगर हम पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो कॉस फाई में आप फिर 90 वहाँ पुट कर देना, 90 वहाँ पे पुट कर दोगे तो भी आपका वहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, अभी मैं बता देती हूँ ठीक है कैसा आएगा। तो अब यहां पे अगर हम इसका वेव फॉर्म देख लें, तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का वेव फॉर्म बनेगा, ये कुछ इस तरीके का ये आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, करंट है। देखिए अभी करंट यहां जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तब तक वोल्टेज कहां है, मैक्सिमम में है,
कितना मैक्सिमम है, 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री मैक्सिमम पे पहुंच चुका है वोल्टेज। जब करंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है तब वो मैक्सिमम पहुंच चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री क्या है, वोल्टेज आपका लीड कर चुका है किससे, करंट से, और करंट आपकी वही रहेगी आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके का आप लोगों को ग्राफ दिखाई देगा। कभी कभी पता है क्या होता है, क्वेश्चन में जब एग्जाम देने जाते हैं आप लोग तो इसी तरीके का वेव फॉर्म आ जाता है, वो पूछ लेता है आप लोगों को कि ये किस तरीके की आप लोगों की सर्किट है, आप बताइए लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है या रजिस्टेंस की सर्किट है। तो इससे भी आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन एक या दो नंबर ये दिला देगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पे फालतू में गला नहीं फाड़ती आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं भाई लास्ट हमारा जो है तो वो हमारा क्या है, कैपेसिटर का, है ना। ठीक, को पहले हम साइड करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं, अब सपोज मान लीजिए हमने क्या कर दिया भाई, कैपेसिटर लगा दिया सर्किट में, ठीक है। सर्किट में हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एसी सप्लाई दे दिया इसको, यहाँ पे क्या है सी है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं तब क्या होता है कि कैपेसिटर भी जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, वहां करंट को अपोज कर रहा था क्या इंडक्टर आपका। और कैपेसिटर की जब बात करेंगे तो ये भी चेंज होने वाला जो वोल्टेज होता है उसको अपोज करता है। डैट मीन्स अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज में जो चेंजिंग आ रही है उसको अपोज करता है क्या आपका कैपेसिटर। सेम वैसे ही है जैसा आपका इंडक्टर के केस में था, तो इंडक्टर क्या कर रहा था भाई, करंट को कर रहा था अपोज, और कैपेसिटर किसको करेगा, वोल्टेज को करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जिससे हमारा करंट क्या होता है इस कंडीशन में, अब करंट आगे निकल जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो रहा था हमारा, वोल्टेज आगे निकल रहा था, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा भाई, जो वोल्टेज रहेगा वो क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। क्यों पीछे रह जाएगा, क्योंकि अपोज कर रहा है ना कैपेसिटर, कैपेसिटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज कर रहा है, बढ़ते हुए जो वोल्टेज है उसको पीछे खींच ले रहा है एक कदम, है ना। तो यहाँ पे अब करंट क्या हो जाएगा हमारा, आगे निकल जाएगा, कितना आगे निकल जाएगा भाई, 90 डिग्री लीड कर जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में, कैपेसिटर की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री वो लीड कर जाएगा, ठीक है। अब करंट इसमें लीड करेगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो अब इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये क्या आपका V, यानी कि वोल्टेज की बात कर रहा। तब तक करंट आप लोगों का देखिए लीड कर गया था, है ना, लीड आपका कर चुका था करंट आप लोगों का। तो करंट क्या कर रहा है यहाँ पे, लीड कर रहा है आपका करंट वोल्टेज से, ठीक। कितना लीड कर रहा है भाई, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 90, ठीक है। तो ये तीन चीज आप लोगों को मैंने बता दिया, प्योर रजिस्टर की बात कर दिया, इंडक्टर की बात कर दिया, और कैपेसिटर की मैंने बात कर लिया। तीनों ज्वाइंट भी होता है आप लोगों का, तीनों को ज्वाइंट करके ही बता दूंगी मैं किस तरीके का आप लोगों का ग्राफ बनता है, कैसा बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अब यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल आएगा, जो भी एंगल क्या मतलब 90 ही आ रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं 90, उसमें भी 90, तो इस 90 को ही हम क्या बोलते हैं भाई, थीटा, यानी कि पावर फैक्टर बोला जाता है। ये जो पावर फैक्टर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर 90 कब, ये इसी के कारण होता है कि रेजिस्टेंस के केस में वो यूनिटी हो जाता है, और इंडक्टेंस के केस में आपका 90 आएगा, और कैपेसिटर के केस में भी 90 आ जाएगा। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडक्टर में क्या हो जाता है, करंट पीछे रह जाता है, और कैपेसिटर में आपका वोल्टेज पीछे रह जाता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यानी कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे, चलो एक और चीज बता देती हूँ। अब देखिए, अब यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का, अगर मान लीजिए इन फेस में, भाई यहां पे डीसी सर्किट बता दिया मैंने,
डीसी सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों कैसे हैं, इन फेज में, ठीक है। तो जब इन फेज में हो रहे हैं तो हमने देखा था तब वहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या निकल रहा था, जीरो। थीटा इज इक्वल टू क्या निकल रहा था, जीरो डिग्री निकल रहा था, क्योंकि करंट भी जीरो से स्टार्ट हो रही थी और वोल्टेज भी आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा था, दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अब हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी आई कॉस फाई, ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो पावर क्या आ जाएगा, वी आई कॉस, यहाँ पे हम जीरो रख लेंगे तो जीरो यानी कि पी इक्वल्स टू वी आई ही रहेगा। पावर का फॉर्मूला डीसी में यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये चीज याद रख लेना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। और वही चीज अगर हम एसी सर्किट की बात करते हैं, वही चीज अब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। एसी सर्किट में अगर हम बात करें, ये तो डीसी की बात हो गई है ना, एसी सर्किट में। अब एसी सर्किट में हमने देखा था क्या मिल रहा था हमको, इंडक्टर मिल रहा था और क्या मिल रहा था, कैपेसिटर मिल रहा था, क्योंकि वो तो डीसी में वर्क कर ही नहीं रहते हैं ना। तो अब हम एसी सर्किट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा था, 90 डिग्री मिल रहा था। तो 90 डिग्री भी अगर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, 90 डिग्री की अगर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बात कर लिया। देखो अच्छे से समझोगे तो सब आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पे वन हो जाएगा आप लोगों का, है ना। और एक मिनट यहाँ पे वन आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो रखा, जब यहाँ पे थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रखा, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे वन का करेंगे तो वन ही मतलब ये वी आई आपका रिटर्न में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने धोखे से जीरो लिख दिया था, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वी आई कॉस 90 क्या होता है भाई, जीरो ही होता है। तो अब ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका पावर क्या हो जाएगा, वी आई इंटू जीरो, यानी कि पावर आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। आ रहा है समझ में। तो देखो डिफरेंस कितना, डीसी की अगर हम बात कर रहे थे, रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे थे, तो पावर हमको वीआई मिल रही थी, लेकिन वही हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर की केस की हमने बात किया है, तो वहां पे कितना मिल रहा था, एंगल हमको 90 डिग्री मिल रहा था। तो फाई की जगह पे अगर हमने 90 डिग्री पुट किया तो 90 कितना आ जाएगा, जीरो। और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, इंडक्टर के केस में पावर पूरी जीरो हो जाएगी, और कैपेसिटर के केस में भी आपकी जो हो जाएगी वो भी, कैपेसिटर के केस में बात कर रहे हैं, P is equals to VI cos phi, तो P is equals to VI cos phi की जगह के अगर हम यहाँ पे cos 90 डिग्री ले रहे हैं तो VI into यहाँ पे 0, यानी कि टोटल पावर 0। कैपेसिटर के केस में भी 0 हो जाएगी, इंडक्टर के केस में भी 0 हो जाएगी पावर आप लोगों की। ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपका मेन मोटिव था मुझे समझाने का इस चैप्टर का, ये आपका एकदम स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को समझाया है, पूरी वेव फॉर्म समझा दिया है, और रजिस्टर का आप लोगों को बताया है, कैपेसिटर का बताया, इंडक्टर का बताया। इसके आगे अभी मैं और बताऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को आगे, इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बनेगा। बस मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि कनेक्टिविटी बना के रखा करो, है ना, स्किप नहीं किया करो बिल्कुल भी किसी चीज को, कि बोर लग रहा है या ये लग रहा है वो लग रहा है। बोरिंग फील करोगे तो हमेशा बोरिंग ही फील करोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है, ना पढ़ाई होने वाली है ना कुछ होने वाला है। एक बार हिम्मत बांध के वीडियो पूरी देख लिया करो, मैं अपनी नहीं बोली हूँ, कोई भी वीडियो आप लोग देख लो, पूरी देखा करो, तभी वीडियो के लास्ट तक समझ में आती है हर चीज, ठीक है। तो आज की क्लास में फ्रेंड इतना ही, कल की क्लास जो होगी हमारी इसके आगे का मैं आप लोगों को बताऊंगी, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एसी सर्किट में रिलेटेड रहती है आप लोगों की, जो एग्ज़ाम के बेस पर्पज़ से जो इम्पॉर्टेंट रहती है वो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और लाइक करते जाइएगा आप लोग वीडियो को एक बार।